मध्य पूर्व के देशों से बढ़ती महंगाई के बीच गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के बाद केंद्र सरकार ने अब चीनी को लेकर भी बड़ा फैसला ले लिया है। 1 जून से चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लग जाएगा। सरकार का तर्क है कि बढ़ते चीनी के दामों को रोकने और देश में इसकी सुचारू सप्लाई जारी रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। इस साल 31 अक्टूबर तक ये पाबंदी जारी रहने वाली है। सरकार के इस फैसले को लेकर अटकलें पहले से ही लगाई जा रही थी। जिस तरह से चीनी के दाम बढ़ रहे थे, एक्सपर्ट मानकर चल रहे थे कि गेहूं के बाद चीनी निर्यात पर भी कैंची चल सकती है। अब केंद्र सरकार ने उसी दिशा में कदम उठा दिया है। 1 जून से कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। कहा जा रहा है कि चीनी सीजन 30 सितंबर 2022 के अंत में चीनी का क्लोजिंग स्टॉक 60 से 65 लाख मेट्रिक टन तक बना रहे। इसी वजह से सरकार ने निर्यात पर यह सख्त फैसला लिया है। आसान शब्दों में सरकार इस बार अपने पास कम से कम 2 से 3 महीने का अतिरिक्त चीनी स्टॉक रखना चाहती है, जिससे देश के लोगों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। वैसे आंकड़े बताते हैं कि देश ने भारी मात्रा में चीनी का निर्यात किया है। पिछले साल 60 लाख मेट्रिक टन तक चीनी निर्यात का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन असल में 70 लाख मेट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट कर दी गई। इसी तरह इस साल भी 82 लाख मेट्रिक टन चीनी शुगर मिल्स से एक्सपोर्ट के लिए भेजी जा चुकी है। वहीं 78 लाख मेट्रिक टन तो एक्सपोर्ट भी हो गई है। इस साल का चीनी निर्यात अब तक का सबसे ज्यादा चीनी निर्यात माना जा रहा है। चीनी के दाम की बात करें तो वर्तमान में होलसेल बाजार में इसकी कीमत 3150 से 3500 रुपए प्रति क्विंटल चल रही है। वहीं रिटेल के दाम पर नजर डालें तो देश के अलग अलग हिस्सों में इसका रेट 36 से 44 रुपए चल रहा है। सरकार की माने तो वो लंबे समय से चीनी के निर्यात से लेकर उसके प्रोडक्शन तक पर नजर बनाए हुए है। ऐसे में देश के लोगों को प्राथमिकता देते हुए निर्यात पर कुछ पाबंदियां लगाने का फैसला लिया गया। वैसे सरकार ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ये पाबंदी CXL और TRQ के तहत यूरोपीय संघ और अमेरिका को निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होने वाली है। CXL और TRQ के तहत इन क्षेत्रों में एक निर्धारित मात्रा में चीनी का एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन इन देशों के अलावा कहीं और अभी चीनी एक्सपोर्ट नहीं होने वाला है। 1 जून से भारत ने चीनी निर्यात को प्रतिबंधित श्रेणी में रख दिया है। इस सब के अलावा केंद्र सरकार ने खाने के तेल पर भी बड़ा फैसला लिया है। 2 साल के लिए सरकार ने कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी है। सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर कस्टम ड्यूटी खत्म की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।